नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। थाना मिर्जापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 25,000 का इनामी खनन माफिया व पूर्व बसपा MLC महमूद अली गिरफ्तार। महमूद अली उर्फ MD का वीडियो सहारनपुर पुलिस ने जारी किया है। वीडियो थाना मिर्जापुर का है, जहां एक जमाने में इस परिवार की तूती बस्ती थी। बसपा सरकार में इस परिवार की हनक ऐसी थी कि ये लोग जो चाहते थे वो करते थे। इनके लिए कोई कायदा कानून नहीं होता था, बल्कि यही तय करते थे। लेकिन वक्त बड़ा बलवान है और इसी थाने में इन पर कई मुकदमे दर्ज हुए हैं और 25,000 का इनाम घोषित होने के बाद अब इसी मिर्जापुर थाने में महमूद अली का वीडियो पुलिस ने जारी किया है। इससे पहले इनके भाई इनामी खनन माफिया हाजी इकबाल के 3 बेटे भी जेल जा चुके हैं। अब चाचा भतीजे सहारनपुर जेल में एक साथ कैद हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन टाटा के निर्देश अनुसार धरपकड़ अभियान में पुलिस द्वारा वंचित चल रहे 25,000 रुपये के इनामी अवैध खनन माफिया हाजी इकबाल के भाई महमूद अली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में सहारनपुर पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक विपिन टाटा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी एवं उक्त के संबंध में किए गए कई खुलासे। समाचार दर्शन से सलमान की रिपोर्ट। जी, थाना मिर्जापुर से धोखाधड़ी में एक महमूद अली वांछित चल रहे थे, जिनको कि नवी मुंबई जगह से सहारनपुर पुलिस ने पकड़ा है। ये 25,000 के इनामी थे। इनके साथ इनके भाई इकबाल वाला, वो भी 25,000 के इनामी हैं और वांछित चल रहे हैं। फिलहाल वो फरार हैं। इनको पकड़ के लाया गया है वहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर, और आज यहाँ न्यायालय में पेश किया जाएगा और माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार फिर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। इनके कई मुकदमे हैं जिनमें जांच भी चल रही है, कुछ में इनको न्यायालय से स्टे मिला है। इन सभी में माननीय न्यायालय में हमारी तरफ से पैरवी की जा रही है और इनके विरुद्ध एक दुष्कर्म का मुकदमा भी दर्ज है, उसमें भी पुलिस शीघ्र ही इनके खिलाफ रिमांड के लिए अप्लाई करेगी और आगे इसमें कार्यवाही की जाएगी। जी, जिस अभियुक्त को पकड़ा है, इस अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है और जो जानकारियां प्राप्त हो रही है उसके आधार पर अन्य संपत्तियां और इनके अन्य मामलों की भी जांच की जाएगी, जिसमें प्रशासन का भी सहयोग लिया जाएगा और राजस्व विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा और उसमें आगे नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। ठीक।